अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आम तो उतने ही मिल रहे हैं, लेकिन अब भी इसी पॉइंट पे आपको बादाम ज्यादा मिल रहे हैं। तो कॉमन सेंस है, अगर मेरे पास दो ऐसे बंडल है जहाँ पे एक चीज उतनी ही है दोनों में, लेकिन एक चीज ज्यादा है, तो मैं उसी बंडल को पसंद करूंगा जिसमें ज्यादा है। तो यहां से पता चलता है सी पॉइंट पे मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी ए के कंपेयर में। यहां से मुझे ये पता चलता है कि सी पॉइंट पे ज्यादा मिल रही है कि कंपेयर में बी पॉइंट पे भी ज्यादा मिल रही है। तो मैंने क्या करा था, पहले बी पॉइंट लिया था इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे और सी पॉइंट लिया इस वर्टिकल लाइन पे। अब मैं इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ डी, और ये पॉइंट है हमारा फोर एंड थ्री। अब आपको कंपेयर करना है पॉइंट ए और डी को, किसको कंपेयर करना है, पॉइंट ए और डी को। ए पॉइंट अगेन हमारा वही है टू एंड 2.2, और डी पॉइंट है हमारा फोर एंड थ्री। फोर एंड थ्री। अब यहां पे अगर दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करा जाए, मैं आपसे पूछूं कि आप किस पॉइंट को ज्यादा पसंद करोगे, तो आप क्या करोगे, उन पॉइंट से मिलने वाली चीजों को देखोगे कि यार इस पॉइंट पे, अगर मैं डी पॉइंट पे देखूं तो मुझे आम ज्यादा मिल रहे हैं कि कंपेयर में, और डी पॉइंट पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे बादाम भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो सीधी सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि जो कंज्यूमर है वो डी पॉइंट को ही ज्यादा पसंद करेगा, हमारा चंगू डी पॉइंट को ज्यादा पसंद करेगा, आप भी डी पॉइंट को ज्यादा पसंद करोगे, मैं भी डी पॉइंट को ज्यादा पसंद करूंगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट सी है और जो पॉइंट डी है, ये सारे के सारे पॉइंट फेज वन में है। तो कंक्लूजन ये मिल रहा है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है और ए पॉइंट को मैं कंपेयर करूं किसी भी ऐसे पॉइंट से जो पॉइंट फेज ए में है, तो फेज ए में जितने भी पॉइंट हैं वो मुझे ए पॉइंट की कंपेयर में ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, इज इट क्लियर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है फेज ए में मैं कोई भी पॉइंट लूं, चाहे तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में लूं या फिर मैं वर्टिकल लाइन में लूं और या मैं इन दोनों के बीच में लूं, तो फेज वन में अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को भी इंक्लूड करता हूं, इनको इंक्लूड करता हूं, तो इस फेज वन में इंक्लूडिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सभी पॉइंट्स मुझे ए पॉइंट से ज्यादा यूटिलिटी देंगे, एडिट क्लियर। तो यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है, फेज वन इज गिविंग मोर यूटिलिटी या ग्रेटर भी यूटिलिटी ले सकते हो, ठीक है, देन पॉइंट ए। तो फेज वन में को मैं जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं उनको पॉइंट ए से कंपेयर करूं तो फेज ए के सारे पॉइंट्स मुझे ए के कंपेयर में ज्यादा यूटिलिटी दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब फेज थ्री की, ठीक है, और सॉरी ये फेज थ्री है, मैंने टू लिख रखा था इसको, 1 2 3 4। इसके बाद हम बात करते हैं फेज थ्री की, टू को बाद में देखेंगे। तो मैं अब कुछ पॉइंट लूंगा फेज थ्री के अंदर, जैसे ए पॉइंट्स, और कंपेयर उसको ए पॉइंट से करेंगे, ए पॉइंट क्या है, 2 2.2। यहाँ पे भी हम तीन ही पॉइंट लेंगे, तीन बार ही हम कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पर इस वाली लाइन को ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने, पॉइंट को नाम देते हैं हम ई। तो ये जो हमारा ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे आम कितने मिल रहे हैं आपको, 1, और आपको ये कितना मिल रहा है, 2.2, क्या बादाम की ग्लास, ठीक है। तो एक आम और बादाम की ग्लास 2.2। अब आप मुझे बताओ कि आपको ए पॉइंट पे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी या ई पॉइंट पे। तो पहले आप कंपेयर करोगे, आप देखोगे यार दोनों जगह मुझे बादाम तो सेम ही मिल रहे हैं, लेकिन अब मेरा जो आम है एक आम कम हो गया है,
ए पॉइंट ई पॉइंट को कंपेयर करने पे कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको बादाम उतने ही मिल रहे हैं लेकिन आपका आम कम हो गया है, तो ये वाला बंडल आपको कम यूटिलिटी देगा। तो ज्यादा कौन दे रहा है? ए दे रहा है, ठीक है। तो हमने इस वाले यहाँ पे इस वाली लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट लिया ई, ई और ए को कंपेयर करा तो क्या पता चला? हमें कम यूटिलिटी मिलती है। इसके बाद अच्छा ये मैंने लिखा था फेज वन में, तो हम इसमें बाउंड्री को भी काउंट कर लें, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री आप बुक में देख लेना। हालांकि उन्होंने पॉइंट ए बी सी ले लिए, अल्फा बीटा गामा ले लिया, उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने ये वाले पॉइंट ले लिए, है ना। अब ए पॉइंट के बाद एक बार मैं वर्टिकल लाइन पे पॉइंट लेता हूं, तो वर्टिकल लाइन पे हमने पॉइंट लिया एफ और ए पॉइंट है हमारा 2 एंड 1। अब एफ पॉइंट है मेरा 2 एंड 1, ठीक है। तो अब ए पॉइंट ज्यादा यूटिलिटी देगा या फिर एफ पॉइंट, कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है दोनों पॉइंट पे मुझे बराबर आ मिल रहे लेकिन अब मेरे बादाम कम हो गए तो ये मुझे कम यूटिलिटी देगा, तो ज्यादा यूटिलिटी क्या देगा? ए पॉइंट। तो E पॉइंट पे मुझे कम यूटिलिटी मिल रही है A की कंपेयर में, F पॉइंट पे भी मुझे कम यूटिलिटी मिल रही है A पॉइंट के कंपेयर में। अब A पॉइंट हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में लेते हैं, और ये जो 3 है मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने पॉइंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है हमारा फॉर एग्जाम्पल जी 1 एंड 1। तो जी पॉइंट को अगर मैं कंपेयर करता हूँ पॉइंट ए से, तो अब आप देखो आपको ए पॉइंट पे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी या फिर जी पॉइंट पे, तो कॉमन सेंस है जी पॉइंट पे मुझे दोनों चीजें कम मिल रही हैं तो कम ही यूटिलिटी मिलेगी। तो यहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर मैं फेज 3 में आता हूं और बाउंड्री को भी इंक्लूड करता हूं, तो फेज 3 में बाउंड्री को भी इंक्लूड करके कोई भी पॉइंट अगर मैं देखूं, किसी भी पॉइंट को मैं ए से कंपेयर करूं, तो मुझे यूटिलिटी कम मिल रही है। तो फेज 2 क्या कर रहा है? फेज 2 इज गिविंग लेस यूटिलिटी देन पॉइंट ए। तो दो बातें हमने सीखी, दो कंक्लूजन हमने निकाले। पहला कंक्लूजन ये निकाला, अगर मैं ए पॉइंट को फेज 1 से कंपेयर करता हूं, फेज 1 में हम लाइन को भी इंक्लूड कर दें, तो फेज 1 के किसी भी पॉइंट पे हमें ए से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। फेज 3 में इन लाइन को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को इंक्लूड करने के बाद फेज 3 में हर पॉइंट पे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो ए से कम मिल रही है। तो फेज 1 के सारे पॉइंट्स मुझे ए के कंपेयर में ज्यादा यूटिलिटी दे रहे हैं और फेज 2 के सारे पॉइंट्स मुझे एक ही कंपेयर में कम यूटिलिटी दे रहे हैं। तो बात ये समझ में आती है कि जो मेरा फेज 1 है और फेज 2 है, इंडिफरेंस कर्व कभी भी फेज 1 में नहीं बनेगा और इंडिफरेंस कर्व कभी भी फेज 3 में भी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व आपको ना इक्वल यूटिलिटी देता है, हर पॉइंट पे आपको आपको जो यूटिलिटी मिलेगी बराबर मिलेगी। फेज 1 में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही कंपेयर में फेज 1 में हम कोई भी पॉइंट लें वो हमें ज्यादा यूटिलिटी देगा, लेकिन इंडिफरेंस करके किसी भी पॉइंट पे हमें ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिलती है, सब पे बराबर यूटिलिटी मिलती है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि इंडिफरेंस कर कभी भी फेज 1 में नहीं हो सकता है क्योंकि यहां यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी और इंडिफरेंस करके सभी पॉइंट्स पर बराबर यूटिलिटी मिलती है, ज्यादा कम का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही इंडिफरेंस कर कभी भी हमारा थर्ड फेज में भी नहीं हो सकता है। थर्ड फेज में क्यों नहीं हो सकता है? थर्ड फेज में इसलिए नहीं हो सकता है, 3 है। थर्ड फेज में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि थर्ड फेज के सारे पॉइंट्स एक ही कंपेयर में कम यूटिलिटी दे रहे हैं और इंडिफरेंस करके किसी पॉइंट पर हमें कम यूटिलिटी भी नहीं मिलती है, बराबर यूटिलिटी मिलती है। तो फेज 1 में। नमस्ते दोस्तों, eco.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग MEC 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन आए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। कभी इंडिफरेंस कर्व नहीं बन सकता है क्योंकि
फेज वन ए के कंपेयर में ज्यादा यूटिलिटी दे रहे हैं, इसी तरह से फेज थ्री में भी डिफरेंस कम नहीं बन सकता है क्योंकि फेज थ्री के सारे पॉइंट्स कंज्यूमर को कम यूटिलिटी दे रहे हैं पॉइंट्स ए के कंपेयर में। तो ना तो इंडिफरेंस का फेज थ्री में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी कम है, और ना ही फेज वन में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इंडिफरेंस का बात करता है इक्वल यूटिलिटी की। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो फेज टू बचा और हमारा जो फेज फोर बचा है। ठीक है, अब ध्यान रखना जब हम फेज वन लेंगे तो हम इस बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये बाउंड्री हमने पहले इंक्लूड कर ली है। हम इस वाली बाउंड्री को भी इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमने फेज वन में इंक्लूड कर ली। ऐसे ही अब हम ये वाली बाउंड्री भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये बाउंड्री हमने फेज थ्री में इंक्लूड कर ली थी। हम ये वाली बाउंड्री भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये भी फेज थ्री में यूज कर ली थी। अब हम लोग फेज टू में इस बाउंड्री को छोड़ देंगे, इस बाउंड्री को छोड़ देंगे, बाकी पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी इरेज कर रहा हूं। चलिए फेज वन में हम आते हैं, सॉरी फेज टू में हम आते हैं, है ना। तो ए पॉइंट से कंपेयर करेंगे, ए पॉइंट वही आपका 2 and 2.2 है। अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पर रफ कर ले रहा हूँ, मैंने पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल ये पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ जी एच पॉइंट नाम दे रहा हूँ। ए पॉइंट क्या है हमारा 1 and 3। ठीक है, 1 and 3। तो अब इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट को देखने पे पता ये चलता है कि हमारा जो आम है वो कम हो गया लेकिन हमारे बादाम बढ़ गए। लेकिन फेज वन में फेज थ्री में हमें क्या पता चल रहा था कि कोई चीज घट नहीं रही थी, फेज वन में कोई चीज घट नहीं रही थी इसलिए यूटिलिटी बढ़ रही थी, फेज थ्री में कोई चीज बढ़ नहीं रही थी, एक चीज घट रही थी इसलिए जो हमारी यूटिलिटी है वो घट रही थी। अब यहाँ पे ड्रामा क्या हो गया, ड्रामा ये हो गया कि एक चीज तो घट गई, ठीक है, आपके जो आम हैं ये घट गए हैं, दूसरी तरफ आपके बादाम बढ़ गए हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी या मेरी यूटिलिटी घटेगी। तो तीन चीजें हो सकती हैं, अब यूटिलिटी बढ़ भी सकती है, यूटिलिटी घट भी सकती है, और यूटिलिटी इक्वल भी रह सकती है, यानी पहले जैसी भी रह सकती है। तो आप कोई भी एक ऐसा पॉइंट लोगे ना सेकंड फेज में, जैसे मैं ये ले लूं एच के बाद मैं पॉइंट ले लेता हूं जे, ठीक है, तो जे पॉइंट में क्या हुआ 1 and 4, अगेन सिचुएशन ये है कि एक चीज घट रही है और एक चीज बढ़ रही है। तो जब ऐसा होगा तो कंपेयर करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अब यूटिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इक्वल भी रह सकती है। फेज फोर में भी ऐसे ही होगा, एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घट जाएगी, तो यूटिलिटी बढ़ भी सकती है, यूटिलिटी घट भी सकती है, यूटिलिटी इक्वल भी रह सकती है। तो सिर्फ दो ही ऐसे फेज है, फेज नंबर 2 और फेज नंबर 4, जहां इक्वल आता है, जहां इक्वल आ रहा है। बाकी फेज वन में इक्वल नहीं है, यूटिलिटी बढ़ रही है, फेज थ्री में इक्वल नहीं है, यूटिलिटी घट रही है, बट यहाँ पे तीन चांसेस हैं, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इक्वल भी रह सकती है। तो इक्वल के चांसेस यहाँ पर हैं, ऐसे ही फेज फोर में भी इक्वल के चांसेस हैं। फेज फोर में भी मैं आपको एक पॉइंट लेके दिखा देता हूँ, जैसे फेज फोर में मैंने पॉइंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा 5 and 0.5। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं K। तो फेज 4 में अगर हम देखते हैं A पॉइंट 2 and 2.2 और K पॉइंट अगर मैं देखता हूं 5 and 0.5, आप देखोगे ये चीज तो आपकी बढ़ गई लेकिन ये चीज आपकी घट गई,
तो जब एक चीज बढ़ती है एक चीज घटती है तो एक जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई चीज बढ़ भी सकती है कोई चीज घट भी सकती है। तो यहाँ पे भी यूटिलिटी केस में तीन सिचुएशन हो सकती है, यूटिलिटी बढ़ सकती है, घट सकती है, इक्वल हो सकती है। तो ये चीज क्लियर है कि इक्वल से फेज टू और